हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी। आपके प्यारी दुलारी स्वीटी सिंह राजपूत आप लोग के बीच में ई कहे आयल बड़ी कि हमार फिल्म दुल्हन गंगा पार 25 मई 2018 को रिलीज हो रही है। इसी महीने में आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, जरूर देखिएगा, और जो भी है हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमें बताइएगा कि आप लोग को फिल्म कैसी लगी और क्या कमी है क्या नहीं है। स्वीटी जी, आप बताइए क्या भूमिका है इस फिल्म सिनेमा आपका। इस फिल्म में मैं कॉमेडी की हूँ। के गोस्वामी जी के अपोजिट मेरा रोल है और प्रकाश जी हैं हमारे दोनों जिन इस फिल्म में, वो हमारे दोनों पति बने हुए हैं। अच्छा स्वीटी जी, इस फिल्म के बारे में बताएंगे कि फिल्म में हीरो हीरोइन डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है। हाँ, डायरेक्टर हैं हमारे असलम शेख जी और प्रोड्यूसर हैं हमारे अरविंद आनंद डॉक्टर अरविंद आनंद जी और हीरो तो आप लोग जानते ही हैं, खेसारी लाल, काजल राघवानी हीरो हीरोइन, स्टार कास्ट है। और म्यूजिक है मधुकर आनंद और गाने हैं आजाद जी और कबीर प्यारे लाल जी और कॉमेडियन है स्वीटी सिंह। स्वीटी सिंह क्या कमाल करती है और कुछ बताएंगे कुछ डिटेल्स में। डिटेल्स में क्या बताऊं, यही बताना चाहूंगी कि आप लोग फिल्म जरूर देखें और जाके मुझे बताएं कि कैसा लगा मेरा फिल्म। जैसे वांटेड अभी इतना अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया, वैसे मैं चाहती हूं कि इस फिल्म को रिस्पांस दें और मुझे बताएं और आप लोग को मैं हंसाती रहूं, गुदगुदाती रहूं। अगर आप कॉमेडी नहीं होती तो क्या होती। कॉमेडी नहीं होती तो कुछ भी होती, डॉक्टर होती, इंजीनियर होती। नहीं, कॉमेडी नहीं होती तो मैं पुलिस में होती, क्योंकि मेरा पुलिस में आ गया था, बट मम्मा ने मेरा होने नहीं दिया, मेरा पूरा आ गया था। बहुत सारी फिल्म की है मैंने, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो। अभी हम लोगों ने पवन राजा में काम किया था, जो कि हिंदी में लिखा जो डायलॉग था कि 98, 99, 95, हम थे, आनंद बाबा थे और प्रकाश जी थे। मैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने सारे कॉमेडियन हैं हमारे दोस्त हैं और बहुत अच्छा हम लोग, हमारे मेरे को आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा ट्यूनिंग है हमारे, हम सबके साथ काम कर चुके हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे सबके साथ काम कर। फिल्म में कृति के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। कृति के बारे में क्या कहूँ, क्यूट सी कृति जो है ना, बहुत प्यारी लाडली है और उसने इतना अच्छा एक्ट किया है, इतनी छोटी सी बच्ची है और फर्स्ट टाइम उसने इतना अच्छा एक्ट किया है फिल्म में। मैंने जब फिल्म देखा तो मेरे आंख से आंसू आ गए कि इस बच्ची को इतना नॉलेज है, इतनी अच्छी है और इतना अच्छा काम किया है इसने, रियली आई एम इमोशनल। कुछ शेयर करना चाहेंगे शूटिंग दरमियान कुछ बातें। नहीं, शूटिंग के दरमियान कोई घटना नहीं घटी। कुछ ऐसी यादें हो जो आपको बहुत ज्यादा हंसाई हो या रुलाई हो, कुछ बताएंगे। यादें यही है कि जब के गोस्वामी जो हमारे पति है, जब पार्सल आते हैं तभी मेरे को बहुत हंसी आती है फिल्म में, बहुत हंसते हैं, आप लोग भी हंसेंगे फिल्म देखेंगे। मतलब आपके पति को किसी ने पार्सल किया है। हाँ, मेरे पति जिससे मेरी शादी होती है वो पार्सल आए हैं। जैसे आपका सामान कुछ मंगाते हैं ना आप पार्सल, या पोस्टमैन लेके आता है, वैसे हमारे हस्बैंड आते हैं हमारे लिए पार्सल। और मैं उनसे शादी। आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही है केके गोस्वामी साथ सुहाग रात मनाते हुए, बहुत सजा हुआ बेड, वो बैठे हुए, क्या सीन चल रहा है। हाँ, उनके साथ मेरी शादी होती, वही पार्सल मंगाया जाता है उनको कि मेरी शादी उन्हीं के साथ कराई जाएगी। बाकी डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगी, सीक्रेट रखूंगी। आप लोग पूरी फिल्म देखिए जाके, तब आप लोग को पता चलेगा कि कैसा फिल्म है और मैंने कैसा काम। डायरेक्टर असलम के साथ काम करके कैसा लगा फर्स्ट टाइम आपको। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे डायरेक्टर है, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा। उनके साथ फिर काम करना चाहेंगे। यस, करना चाहूंगी। कुछ उनके बारे में बताएंगे कुछ अच्छी बुरी बातें। असलम सर के साथ मैंने फर्स्ट मूवी किया है, ज्यादा नहीं जानती हूँ उनके बारे में, बट मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। बंदूक चलाने आती है। यस yes. कितने गोली एक बंदूक में होते हैं। 6 गोली होते हैं। ठोक दूं क्या तुमको। अच्छा ये बताइए, अगर पुलिस सपोर्ट है क्या, पुलिस आपको अधिकारी बना दिए पूरे उत्तर प्रदेश के, तो सबसे पहले किसे गोली मारना पसंद करेंगे। सारे मुसलमानों को गोली मार दूंगी। अच्छा क्यों, उन लोगों से ऐसा, हमारे जो हमारे हिंदुस्तान के नहीं। हाँ। हिंदुस्तान के नहीं, जो आतंकवादी भरे फिरते हैं बॉर्डर पे, जो हमारे हिंदुस्तानी, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी। क्लियर करिए जरा हमारे दर्शकों को।
दर्शकों को मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं अगर कुछ मुझे मेरे हाथ में पावर मिला ना तो मैं सबसे पहले उन आतंकवादियों को गोली मारूंगी ताकि हमारे देश में जो इतने अफवाह इतने मार काट इतने सारे सब फैला रहे ना मैं देख देख के मेरा दहल जाता है सीना में देखती हूँ इतने हमारे देश के जवान जो वहां पे खड़े होके इतना सेवा करते हैं तभी हम लोग आज सुरक्षित हैं। हमारे हिंदुस्तानियों मुसलमानों को मैंने नहीं बोला मैंने उनको बोला किसको कि जो हमारे बॉर्डर पे हमारे भाई लोग को इतना मारते इतना काटते मैं देख के मुझे बहुत आपको नहीं लगता है कि आपको खुद बॉर्डर पे तैनात हो जाना चाहिए होना चाहिए मैं तो तैयार हूँ मेरे को भेजो मैं जाऊंगी मुझे लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री अगर बॉर्डर पे तैनात हो इसी भाग जाएगा वो सही पकड़े हैं क्योंकि इतने भोजपुरी सिनेमा पाकिस्तान और इंडिया की ओर बन चुके हैं कि हर सिनेमा में पाकिस्तान उड़ जाता है सही चलिए हम आते हैं सिनेमा पे फिर से दुनिया पार 25 मई को रिलीज हो रही है फिल्म में हमारे कॉमेडियन प्रकाश जैस हैं उनके बारे में कुछ पर्सनली बातें बताएं कैसे इंसान है उनको गोली मारूंगी वो तो अपने हिंदुस्तान के है ना मैंने हिंदुस्तान के नहीं बोला मैंने पाकिस्तान जो आतंकवादी फैला रहे इतना नुकसान कर रहे हैं हमारे भाई जवान को काट रहे मार रहे उनके लिए मैंने बोला अच्छा कॉमेडी बोला नहीं हाँ। दादी मैं भेजता हूँ कुछ लोगों को क्या दो अपने घर का एड्रेस दादी मैं कुछ भेजता हूँ हाँ भेज दो मुझे कोई टेंशन नहीं है फेसबुक पे आया था कि ऐसा वैसा आतंकवादियों ने कुछ लिख के भेजा था मैंने बोला तुम्हारी मर्जी ना कभी पूरी नहीं होगी इस जन्म में तो तुम जीते जी नहीं कर पाओगे कि हमारे कश्मीर को तुम ले सको गाली वाली कुछ नहीं दी थी जी ऐसी छोड़ दिया बिना गाली दी गाली नहीं देते हम तो सीधा ठोक देते हैं हाँ एक डायलॉग बोल दो उसके लिए सनकिता मई जैसे सत्या में हमारे एक डायलॉग है कि सनकिता मई है लेकिन जब सनक जाला ना तो पाकिस्तान रांची उड़ा डाला कराची वही कराची चलिए धन्यवाद।